मांडवा थाना क्षेत्र के खजूरिया में आपसी विवाद के चलते 9 लोग हुए घायल। उपचार के दौरान एक युवक की हुई मौत। कोटड़ा उपखंड के मांडवा के एएसआई शांतिलाल आहारी ने बताया कि खजूरिया निवासी दो सगे भाई धर्मा पिता पूना व भीमा पिता पूना के दो परिवारों के बीच आपसी जमीनी विवाद को लेकर मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना के मुताबिक दोपहर 12 बजे दोनों भाइयों व परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे पर तलवार व कुल्हाड़ी से हमला करने से तलवार लगने व हाथों पर गहरी चोट लगी। हमले में धर्मा पिता पूना जाति बुमरिया, सुरेश पिता धर्मा, लालू पिता पूना, सेजू पिता धर्मा, गुला पिता बाबू, नानिया पिता बाबू, श्रवण पिता फौजा, राजू पिता भीमा, रमेश पिता भीमा घायल हो गए। गहरी चोट के कारण भीमा पिता पूना की नाजुक हालत होने के कारण उदयपुर रेफर किया गया, जहाँ उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, कोटड़ा थाना अधिकारी राम से चुंडावत, मांडवा एएसआई शांतिलाल आहारी पुलिस सहित जाप्ता मौके पर पहुंचे, जहां दोनों परिवारों के घायलों को निजी वाहन से कोटड़ा सीएससी लाया गया था। पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर नवीन पांडोर, स्टाफ नर्स पारी मीणा ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कर उदयपुर रवाना किया था कि उदयपुर में उपचार के दौरान भीमा पूता पूना की मौत हो गई। सबको उदयपुर के जिला अस्पताल में रखवाया गया। कोटरा रहने वाला हूँ। खजरिया गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तलवारें और कुहाड़े मार के 5 जने घायल हैं, इसमें से एक ऑफ हो गया। हम उदयपुर यहाँ बैठे हैं उसको लेके। क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? सर, सरकारी कोई कार्रवाई करेगा वो होएगा सर, हम क्या कर सकते हैं। विवाद किसको लेकर हुआ था? ये जमीन के बारे में सर हुआ है। अरे जमीन तो खराब जमीन है, देखे तो है नहीं।